भाई देखल जा ई हमरे मास्टर को नई धुन को शुरुआत करो ताल। अच्छा ई हो कम ना हो ई मरद मेहरारू को मैटर बा। यही गर्मी के दिन में कोनो मेहरारू भोरे भोरे में उठ के ए राम बलम भैया कुछ भीचत कचार ताड़ी मर्दा कहता धनी भोरे भोरे का तू धोव ताड़ू कलागल बचदरा में टोव ताड़ू करे चट चट गईल राते लपट करे चट चट गईल राते लपट तू चुवाई देल रस कुल्ही बहरी पिया अरे दूर देल राते मसहरी पिया चूसे में अमवा दसहरी पिया अच्छा बाबूजी लोग हम बिरहा गायक राम कौल यादव गाजीपुर और साथियन के ओर से आप सब बिरहा सुनने वाला हर श्रोता बंधु लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके बीच में पहला बार आर सीरीज पीसीआई कंपनी के ओर से आप सबके बीच में बिरहा भेजतानी। बिरहा जगत की सबसे पुरानी कंपनी आर सीरीज पीसीआई मऊनाथ भंजन जौना कंपनी के मालिक जौना चैनल के मालिक पूजनीय आदरणीय श्री महेंद्र पांडे जी आज वहां के देख रेख में बिरहा होत बा। बिरहा रिकॉर्डिंग होत बा आरभी स्टूडियो भीमपुरा बलिया में। एक थे विषय एक थे बात का चर्चा आज उत्तर प्रदेश ना बिहार ना हिंदुस्तान ना पूरे दुनिया में बा। सीतापुर में 6 लोगों की दर्दनाक हत्या कौन किया क्यों किया कैसे किया इस बिरहा को अंत तक सुनिए। कहानी अच्छी लगे बिरहा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना न भूले इसलिए कि हम कलाकार कमेंट को पढ़ते हैं और आप लोगों के सहयोग से ही किसी का चैनल चलता है। बड़ा सुंदर भाव हमारे कवि जी पवन यादव इलाहाबादी जी बड़ा सुंदर भूमिका का भाव लिखल है कैसे मास्टर रो रहा है रो धरा जगी में नफरत कया की बना पैदा ब्रह्मांड सबको किया विश्व में कोई कतली तो कोई
अनुरागी बना बिलखती मनवता दनवता के आगे गुल गुलिस्ता कया दर्श दागी बना शोक सागर में डूबी पवन की कलम आज भाई ही भाई का बागी बना लोग कहेला कि भाई जैसन हितन भाई जैसन दुश्मन आज देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा इस बिरहा में बड़ा सुंदर कव्वाली के नमूना लगत बा मास्टर वाह वाह ये हमारे महेंद्र पांडे जी का जवानी का कव्वाली हो हमने का छोटे छोटे रहनी जा वो घरी यहाँ का स्टूडियो यही बेटी चौक मऊ में गजब चले हिंदुस्तान का हर भी रही है आपके गाँव में कैसे नका बेहूस नका बेहूस न मुसलसल उठाई जाती है नकाब हुस्न मुसलसल उठाई जाती है अरे नकाब हुस्न मुसलसल उठाई जाती है ए सोनू भाई आप बाखूबी मेरे बारे में जानते हैं मैं तो पिता नहीं जबरी पिलाई जाती है जिया लेकिन बिरहा सुने वाला हमार भैया बाबू माई बहन लोगों से निवेदन बा खांसी भेड़ा का बल्ली चढ़ावे को डेट तारीख पर जाला फलाना दिन बल्ली चढ़ावे के बा लेकिन इंसान का बल्ली कब चढ़ी कोई नहीं जानता बड़ा सुंदर भाव कवि जी बिरहा में लिखले हैं जीवन का जीवन का मोल नहीं गोली चलाई जाती है जिया जीवन का मोल नहीं गोली चलाई जाती है आज मानव तक अर्थी उठाई जाती है जिया इहवे से हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई कहानी के कर बा कैसन बा ध्यान से
एक कहानी के सुन जाए नज्म कलाई लगत बा मास्टर। रामपुर मथुरा, रामपुर मथुरा थाना की एक कहानी है, वही की सचना घटना सुनो ये जुबानी है। बीरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह उसी गांव के जमींदार, सुनो बड़े अमीर सौ बीघा के कष्टकार, सुनो अजीत अनुराग, अजीत अनुराग जन में दुई ठेला नवा हो, दोनों की शादी किए आई घर जन नवा हो। दौलत के लिए देश में, दौलत के लिए देश में नियत डिगाई जाती है, जीवन की कीमत न गोली चलाई जाती है। बात का समझ लें भैया, कहानी सीसा जैसन झलक जाई। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सीतापुर जिला, और सीतापुर जिला के अंतर्गत रामपुर मथुरा थाना, उस थाने के अंतर्गत की कहानी मैं आप सबके बीच में बताने जा रहा हूं, चूंकि मजबूरी है मेरी बताना। बिरहा इस कहानी का एक भाग वन भी गाया था, लेकिन मीडिया वाले कुछ अफरा तफरी में दूसरी ही बात निकाल दिए थे, प्रशासन और शासन भी दूसरे को कलंकित कर रही थी। लेकिन बात जब पोस्टमार्टम हुई है लाशों का, तो बात साफ हो गई। वीरेंद्र सिंह पत्नी का नाम सावित्री सिंह, दुई औलाद हूं, अनुराग सिंह और अजीत सिंह, दोनों बेटावा जवान भले चुकी बहुत बड़े काश्तकार हैं। वीरेंद्र सिंह धनाढ़ आदमी, 100 बीघा के काश्तकार, दोनों बेटावा जवान भले चुकी। अनुराग सिंह तैयारी कर रहा है ऑफिसर बनने की, और अजीत सिंह तैयारी कर रहा है मास्टर बनने की। पैसा अगाध है, दोनों लड़का पढ़ता रहो। धीरे धीरे समय बीतल, कई बरस मेहनत किया अनुराग सिंह, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अजीत सिंह मेहनत कर लो, इनके नौकरी मिल गई, अध्यापक भइल हो। दोनों बेटवन का शादी भइल, दोनों जना के मेहरारू घर में आइल है। ए भैया, धीरे धीरे समय बीतल, चूंकि पिताजी वीरेंद्र सिंह जी स्वर्गीय हो गए, माई बाड़ी, लेकिन अबे दोनों भाई में तनाव होके लगल, दोनों भाई अलगा हो गई लन, अलगा हो गई लन, चूंकि पिताजी अपने जीते में कुछ कर्जा ले रहलन जमीनी पर लोन। तो भाई, एक भाई तो मास्टर है अजीत सिंह, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भाई बेरोजगार है। करत का बड़ो कि अपन घर का हिस्सा 50 बीघा जमीन और 150 बीघा एगो मिश्रा जी का जमीन लेके खरबूजा का खेती करता। आज दोनों भाई का शादी हो गई बा, अनुराग सिंह का शादी भइल बा प्रियंका सिंह से। चूंकि बेरोजगारी के चलते वह बिचारी लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट काम कर रही है। 3 बच्चे हैं, 2 बिटिया 1 बेटवा, अच्छा स्कूल में पढ़ा रही है, और इधर खेती गृहस्थी करके अच्छा पैसा कमा लेते अनुराग सिंह भी। इसी बीच चुनाव सामने आई बा, 2024 का चुनाव 13 मई के सीतापुर में चुनाव रहा, और कई बार दो भाइयों में विवाद हुआ, अजीत सिंह में और अनुराग सिंह में, कि पिताजी की कर्जा को भर दिया जाए। तो भाई जे मास्टर बा ओकर लगे तो तुरंत महीने में तनख्वाह आवत बा, लेकिन अनुराग के पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छोटा भाई बड़े भाई को बार बार परेशान कर रहा है। 11 मई के रात
भइल का अनुराग सिंह के दुल्हन प्रियंका सिंह तीनों लइकन के लेके जब घरे अली हो तो ये छोटा भाई जो है अजीत सिंह रात के वक्त में पहुंचता है छत पर। भौजाई से कहत ब कहो कह दे भैया के कि चलो लोनवा भरा जाओ नहीं तो परिणाम में करबूरा होई। भौजाई समझावा ताड़ी के बबुआ फैसला सवेरे होला रतिया में कैसा नाइल बड़ा। लेकिन उसी रात में जो कलंक लगा था कि अनुराग सिंह पी करके अपने परिवार को मारा है, 6 लोगों की हत्या उसी 11 मई की रात में हो गई, वो 2-3 बजे भोर के बाद। चारों तरफ देश में बात फैल गई कि अनुराग सिंह पी करके, यह बात कौन फैलाया? अनुराग सिंह का भाई जो अध्यापक है अजीत सिंह, वही बोला मीडिया और शासन प्रशासन वालों से। सरकार भी सोच रही है, प्रशासन भी सोच रहे हैं और लोग भी सोच रहे कि यार एक पियकड़ अपने मां को भी नहीं छोड़ा, अपने मां को भी मार डाला। बिरहा सुनने वाला भैया लोग लाश पोस्टमार्टम में जब गई है 6 लाश तब भई लका रानी सरंगा का तरज लगत बा। भई पोस्टमार्टम जब की मिलली रिपोर्टिया हो, मिलली रिपोर्टिया हो, उल्टा होई गईल खेवन हार जी। रहले 11 मई शनिवार दिनावा, शनिवार दिनावा हो, घटना घटल बड़ी यार जी। रिपोर्ट में का आई, भाई अजीत सिंह गोलिया चलवाले यारे, गोलिया चलवाले हो, कैले हथौड़ी से वार। 6 गोलसिया के भैले पंचनामा यारे, भैले पंचनामा हो, खुल गईले राज सरकार जी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब सामने आई तो पहला नंबर साफ साफ बात तो यह निकल गई कि जिस समय वह अजीत सिंह गोली मार रहा था, अपने भाई के खोपड़ी में गोली मारा था, एक गोली बड़ा सटीक निशाना मरले है, दूसरी गोली बगल में लड़की है जो 12 वर्ष की है ओके गोली मरलस, तो भगवान का देखा हो बड़ा लमहर बाहिन होले। पकड़ाए के जब होला ना तो कोट करे चतुराई, विधि का लेखनी मेट न जाई। जिस समय भाई को गोली मारा उसके बाद में उस बेटी को मार रहा था, इसलिए कि वह बेटी सारी कहानी को सारी घटना को देख रही थी। कभी जी तो सोचा कि ये 12 वर्ष की लड़की है, चल हां के सबसे बड़ी है, इसको भी गोली मार दूं। गोली मारा उसको जरूर, लेकिन वह गोली उस बेटी से छटक कर जाकर के वह भी गोली अनुराग को लग गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 गोली, एक कनपट्टी पर लगी है और एक दूसरे साइड से खोपड़ी में जाकर फंस गई है। सुराग तो मैंने यही मिल गया कि आखिर जो सुसाइड करेगा वो एक गोली चला सकता है, आखिर इसके सर में 2 गोली लगी है, तो ये तो जांच का विषय है। जांच हुआ, दूध का दूध पानी का पानी, साफ फैसला हो गया। पुलिस पकड़ती है अजीत सिंह को, उन लोगों के एक चाचा को पकड़ती है जो घर पे नौकर है, दोनों नौकर को पकड़ती है, चूंकि हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था अजीत सिंह की, सर मुझे प्रताड़ित न किया जाए, ये सारी घटना मेरा भाई किया है,
मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, हार्ट का मरीज हूं, मर जाऊंगा, प्रशासन वाले उसे मारे भी नहीं और वाखूबी उसको समय समय से भोजन भी करा रहे हैं, लेकिन सोने नहीं दे रहे थे। बोले कि तुम्हें सोना नहीं है। दो रात जगा और तीसरे रात में अब जब आई लगे लगल तो शासन प्रशासन, जब प्रशासन और पुलिस अपने आप पर उतर जाएगी तो कहां भगवो। आखिरे भैया वही बक दिया कि सारी घटना मैंने किया है। कैसे किया है? सबसे पहले के मरली बतावत बा, घटना के बाद सीरियल कहानी शुरू, छह लोगों की हत्या कैसे कैसे किया, यहां एक लाइन बिरहा में तर्ज लग गई। उहे तर्ज बा पिया पिया रतत पिया राई गई ले हो मोर पिया पार देसिया भुलाई गई ले हो लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया लोग वो बता रहा है कि जब हम भौजाई के लगे गईली कहली कि भैया से कह दे कि लोनवा भरा जाओ, वो नहीं मानी तो मैंने सोच लिया कि इसका परिवार ही खत्म कर दूं, न रही बांस न बाजी बांसुरी। जब अकेले कर्जा हमके भरे के हो, हमारा ये हो गए साहब कि हम मास्टरी के नौकरी से कुछ नहीं कह पाओ, हमार लड़का लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़तन स, आ भैया का लड़का लड़की बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़तन स, खरबूजे बेच के खेतिए कहके आ बढ़िया से रह ताड़न, इनका लड़का लड़की एसी रूम में सुत ताड़न स। आखिर भौजी से विवाद हमारा चलत रह तले माई हमारा आई, तो मैंने किया क्या कहत बा बताया था वो मार पड़ रही है, प्रशासन से बता रहा है सर मैंने गोली मारा अपने माँ को, मैंने ये समझ लिया कि माँ हमारे पक्ष में क्यों नहीं लड़ रही है, भैया के पक्ष में लड़ रही है, तो मैंने माँ के खोपड़ी में गोली मारा और गोली मारने के बाद और क्या किया, लेके हथौड़ी फिर फोड़ल सी खोपड़िया अपन जननी के ममता, अपन जननी के ममता भुलाई दिहल हो पापी घर में माई के मुआई दिहल हो। ए भैया मार पड़ रही है, सारी बात बता रहा है कि सर मैंने ऐसे अपने मां को मारा और मां को जब मार दिया तो दूसरे नंबर पर मेरा भाई मेरा दुश्मन बना है, चूंकि वो तो दारू के नशे में सो गया था। मैं कितनी गोली मार रहा हूं, क्या कर रहा हूं,
वो कुछ नहीं समझ रहा है, अपने कोठरी में सोया है, दरवाजा खुला था, मैंने घुस गया। तरज लगत पाहो बाबू। तर्श सुंदर भाव कवि जी बिरहा में लिखली हो। आज अनुराग सिंह की मौत कैसे हुई, कौन किया, यह रिपोर्ट में आई है, मीडिया से खबर मिल रही है, अजीत बताया था, मीडिया बता रही है क्या। अजीत पापी मन में ना बिचारा दोस्त तो अजीत पापी मन में ना बिचारा दोस्त तो गोली से अनुराग को भी मारा दोस्त तो से अनुराग को भी मारा दोस्त तो अनुराग सिंह चूंकि थोड़ा पीने वाले हैं, मीडिया में भी खबर आई है कि वो ऐसे पियकड़ थे कि पीते थे तो 6 महीने लगातार, आ ना पिए तो 6 महीने लगातार ना पिए। तहिया दुल्हन भी घरे आई है, खुशी बा, अनि भाई अपन पी पा के सुतल हो, लेकिन ये हरामी भाई मास्टर अजीत सिंह भाई को भी गोली मारा, तो गोली लगने के बाद भाई छटपटा कर खड़ा होना चाहता है, ये हरामी अजीत सिंह किया क्या। लेके हथौड़ी पापी खोपड़ी को कुछ डाला, रहम जिगर न बूझा बहाया खून नाला, संभाला नहीं दिल को संभाला नहीं दिल को घर उजारा दोस्त तो संभाला नहीं दिल को घर उजारा दोस्त तो गोली से अनुराग को भी मारा दोस्त तो गोली से अनुराग को भी मारा दोस्त तो दो गोली मारा, दो गोली लगी है खोपड़ी में और उसी हथौड़ा से भाई के सर को भी फोड़ डाला। अरे बारे धन आ बारे बैंक का लोन, अरे का भैया एगो भाई के ऊपर वार करतड़, एगो बेटा होके माई के मार डल, आखिर दो लोगों की हत्या किया है। छत पर सोई है चूंकि वह बिचारी प्रियंका सिंह, पहुंचा है हरामी फिर उसके पास और ये करता है क्या। तरज बदल गिल बाबू। अरे तोहके चढ़ाइबो मैया नारियल चुनरिया की गंगा मैया पार खैदा, अरे हमारी नेवारियों की गंगा मैया। लेकिन बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे। बिचारी वह खुशी में आई थी लखनऊ से अपने घर के चल करके, 13 मई को वोट दूंगी, क्या समझ कर आई थी कि मेरी मौत होगी। देखिए करता है क्या अजीत सिंह, कि पपिया अजीत नाई सोचल तनी कुमानवा हो सहित नवा बनल, अरे मरल पीरियंका
बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग पहुंच गया अपने भाभी के पास और जाकर के जो पिता की रखी हुई वह रिवाल्वर थी वो वीरेंद्र सिंह उनके पिता खरीद कर रखे थे उसी को निकाला है, उसी गोली से उसी हथियार से माँ को भी मारा है, भाई को भी मारा है। तो भाभी के पास पहुंच कर करता है क्या, मारा गोली खोपड़ी में बंद भैली बोलिया, और बंद भैली बोलिया, मुहावा कलना पीरी यंका कह बोलिया, पीरी यंका कह बोलिया, छलिया बेईमनवा नाई, छलिया बेईमनवा नाई, सोचतवनी छलवा सहित नवा भुलले, फिर बनाया हथौड़ी कै निशानवा सहित नवा भुलले, ए बाबू हाई देखा हो भौजाई को भी मार डाला, तीन लोगों की जब हत्या कर दिया है तीनों, और दोनों अब बच्चे, दो बच्चे जो छत पर सोए हैं और जो बेटी थी वो 12 वर्ष की जिसको गोली नहीं लगी है, गोली मार रहा था वो गोली बहक कर जाकर लगी है अनुराग सिंह को, बेटी वो भी भाग करके जाकर छत पर छुपी है, लेकिन इस छत पर जाके कैले सका तरज बदल गई बाबू, तोड़ी के कोनो दुल्हन का बिरह बा याद करो थियो, अरे तोड़ी के सनैया कडो अरे तोड़ी के सनैया कडो चकोर काहे चाँद की भुलैला, लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया लोग अजीत सिंह कैलन हका छतवा चढ़ के सैतान छतवा चढ़ के सैतान नदान लड़का नीचा फेंकले नदान लड़का निचवा हो फेंकले
लैकन का नाम का बा आरे आनी आसवी बेटी तुरंत मर गई हाथ पर गईला के बाद बड़ी बेटी जो आनी है उसे गोली मारा। मारने के बाद छत पर से उठाई के अंगना में फेंक दिलस। 9 साल का बिटिया जो आसवी बिया उसको भी मारा, उसको भी आंगन में फेंक दिया। बारे पापी बारे धन को लालच भाई लका बाबू पपिया अजीत के दर्द तड़पेला ए बाबू 6 लोगों की हत्या कर दिया। भाई को मारा, माई को मारा, भाभी को मारा, तीनों बच्चों को भी अपने समय से मार दिया। लेकिन जो बेटा है 7 वर्ष का छटपटा रहा है। शरीर पर जो खून के छींटे और धब्बे लगे हैं छुड़ाने में लगा है, हटाने में लगा है, यहां तक कि अपने आप के इतना ही सजग बा कि तुरंत कपड़ा निकाल के धो भी लिहलस। फिर जो ना रूम में सूते जिस दिन घटना को अंजाम दे रहा है अजीत सिंह, उस दिन अपने औरत और अपने बच्चों को नैहर भेजवा दिया था और उसी दिन इस काम को अंजाम दे रहा है। बच्चा छटपटा रहा है लेकिन यह निर्दयी उसको उठाने नहीं जा रहा। गांव में गोली का आवाज गुजल हो चुकी। इन लोगों का घर थोड़ा सबके घर से अलग है, दूर है। आवाज गोली की लोगों को मिली है, गांव के लोग दौड़त पहुंचलो हो बाबू भोर के टाइम में। तब भई लका बिरहा में टेरी के भाव लगत बा। गुलशन की डाली डाली रोपड़ी काल के गाल समाये कली सुमन और माली, काल के गाल समाये कली सुमन और माली, गुलशन की डाली डाली रोपड़ी। कितना सुंदर भाव गुरुजी बिरहा में पवन कवि जी इलाहाबादी लिखल बड़ी। काल के गाल समाये कली सुमन और माली, सारे लोग काल के गाल में समा गए। गांव के लोग पहुंचलन हो, घटना को देख करके गांव के लोग रोवत हो लेकिन करा तो इनको आंस निकले बहुत, इसलिए कि काम को इतना सफाई से अंजाम दिया है कि मैं बच जाऊंगा मेरा भाई दोषी हो जाएगा, इसलिए कि पियक्कड़ है। आज भाई लका बाबू बिरहा में कलन तरज बा। जहां बिरहा में बिरहा सुनने वाला भैया लोग भाव बढ़िया होला
ओइजा तरज का कोनो मतलब ना होला। आज गांव का लोग वो घटना पर जब पहुंचलन हो बच्चा छटपटाता अगल बगल में दोनों बहिनी का लाश बा बेटा वा छटपटाता वो घटना के देख के गौवा का लोग नर नारी सब रोता कैसे रोवे नर नार रोवे नर नार या सुधार वही गौवा में उजर गईले पूरा परिवार वही गौवा परिवार वही गौवा में रोवे नर नार आ सुधार वही जे भी आवता सबसे ही सफाई देत रहलो समय अजीत सिंह कहे कि वाह ये मेरा भाई पी करके सारा काम किया है मुझे भी दौड़ाया था गोली मारने के लिए लेकिन मैं तो किसी तरह से अंदर से जाके दरवाजा बंद कर दिया और मेरा भाई भी बाहर से बंद कर दिया ये तो दूसरे लोग आकर के खुलवाए हैं मैं किसी तरह से छुप कर रहा हूं लेकिन गौवा का लोग विश्वास माने के तैयार नहीं थे। अनुराग सिंह दारू जरूर पिए लेकिन अपने बच्चों और बीबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। गांव में क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी जीते थे किसी से झगड़ा और किसी से कोई विवाद नहीं था। इस सफाई अपन अजीत सिंह देता जो उन समय घटना कैले रहल लेकिन गांव का लोग एक माने के तैयार ना होके हालांकि मौके पर अनुराग सिंह का साला भी पहुंचल बड़ो अपने बहने को लेकर के दवा उपचार के लिए दौड़ रहे हैं आखिर भई लका रहले अनुराग सिंह सचैन सनवा करे खेती बारी उहो बन के किसनवा अच्छा रहल सबसे व्यवहार वही गौवा व्यवहार वही गौवा में रोवे नर नार आ सुधार वही गौवा में सभी है कहे सभी है बतियावे के ऐसन काम अनुराग सिंह कर नहीं खा सकता आखिर कोई हके लोग सारे लोग परेशान है सबके आंख से झरझर झरझर आंसू बहत बहो बाबू आज अनुराग सिंह का साला साहेब आदिल बेटवा के लेके लखनऊ गई है लेकिन वहां भी बेटा जाकर के दम तोड़ दिया छह लोगों की मौत हो गई। यह काम किसके लिए हुआ सारी जायदाद और धन दौलत के लिए हुआ हमारा भी रहा का आखिरी तरज मास्टर अरे रुन झुन अरे रुन झुन खोला ना हो के बढ़िया अरे रुन झुन खोला ना हो के बढ़िया हम भी
बिरह सुने वाला हमार भैया बाबू लोग केहू के मारल बड़ बात नहीं के हो, मार देबो वह तो मर जाएगा लेकिन आपके साथ क्या होगा, सोच कर कदम उठाइए। अजीत सिंह काहे अपना परिवार के लोगों के मरल हो, खेती बारी दौलत करन, अरे खेती बारी दौलत करन मिट गईल जग से नामो निशानवा, अरे मिट गईल जग से नामो निशानवा, पपिया जनवा मरल बिरह सुने वाला भैया लोग कह देला कहीं कहीं कि बेटा कुबेटा हो सकेला माई कुमाई ना होली। अरे भैयावा से दुश्मनी रहल, भौजैया से रहल, अरे अजीत जवन माई तो के 9 महीना गौरव में ढोक पैदा कैलस, आज वही माई के बनावल जमीन, वही माई के बनावल मकान, वही माई के सजावल बगीचा के गो तू फूल, माई के कैसे मरला। अंतरा में बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखले हैं, पहिले मरलस आपन माई, पहिले मरलस आपन माई, दिया अनुराग के कुल मिटाई, भाई भाई का बनल दुश्मनवा, अरे भाई भाई का बनल दुश्मनवा, पपिया जनवा मरल ना, ए भैया हत्या तो कर दिया, रिपोर्ट भी आज आ गई है, थोड़ा इसमें छानबीन और बाकी है कि आखिर अजीत सिंह अकेले था। कुछ लोग कह रहे कि लखनऊ से वो माफिया लोगों को बुलवा करके पैसे के बल पर ये काम करवाया था, जो भी हो लेकिन सारा दोषी तो अजीत सिंह है। ये बात जब देश में फैल है तो पहपट का भाव लग गया भैया। इस घटना का खुलासा ऐसे हो गया कि जिस दिन ये घटना किया था तो सारे लोग दरवाजे पर भीड़ लगाए हैं और खड़ा है, सफाई दे रहा है, आजकल हाथे हाथे मोबाइल बा, तुरंत लोग पुलिस के सूचना देलन, आ सूचना जब दे लो तो लोग क्षेत्र जवार नेता एसपी दरोगा सारे लोग पहुंच रहे, भाई जिस घर में और जिस गांव में हताहत 6 लोगों की हत्या हो जाए तो कौन अधिकारी नहीं आएगा। भाव अपने बड़ा सुंदर भाव कभी जी डल रहे हैं, तो सारे देश में फैलल बा खबरिया, देरी लागल ना, अरे द्वार पे आईली पुलिस वाली गड़िया, देरी लागल ना,
अरे छव गोलास लख के परिस सब ही कह नयनवा हो। अरे आई डी जी आई साथे पूरा पुलिस के जवनवा हो। अरे विधि के विधान पलटल वही घरिया देरिया लागल ना अद्वार पैली पुलिस वाली कई गो गड़िया देरिया लागल। ए भैया दूध का दूध पानी के पानी साफ फैसला आयल सामने कि हत्यारा मेन अजीत सिंह है। अल्लाह का भाव लगत मास्टर तो चोरी हत्या पाप नाई जग में छिपेला बाबू अपने आप खुल जाला सुन सरकार पपिया अजीत जवन दिहल सफैया बाबू देख लोग कहला कि टीचर अध्यापक को क्या कहा जाता है गुरु। गुरु किसको कहते हैं जो अंधकार के ओर से प्रकाश के ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। जो मास्टर विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे रहा है आज वही मास्टर मासूम बच्चों की हत्या कर डाला। ए बाबू आज मास्टर के नाम पर या अध्यापक के नाम पर भी कलंक लगा दिया। टीचर बनिक के करत रहले पपिया नौकरिया बाबू धन संपदा के खातिर बनल गदार जवन माई गोदिया से बाह बारे धन बारे कर्जा बारे भाई तो खुशी ना देख गई। अब तो नीक लागत हुई उनके अब तो अच्छा लगत हुई अजीत के ना। अब तो जौन जमीनिया भाई तो के कुल ही मिल जाई। अरे महाराज एक शिक्षक होकर के एक मास्टर होकर के ऐसा काम कर दिया कैसन जमाना आ गिल बहो भैया कि करा पर विश्वास करबो। लोग कहला कि हमारे को भाई रही तो तोहके देख देती। अब का भाई रही जब तोहरे नहीं है भाई सबकर भाई हो जाओ जन भाई के भाई है मारे। धन्यवाद ए अजीत सिंह खड़ी के भाव लगिल मास्टर। खून खराब के राजनी तपिया मारे भाई कपरनवा अजीत पपिया जलन का रहल इनके जलन इनके अजीत के मेन ई रहल
किनकर मेहरारू 15-20 हजार महीना कमा लेती है। आई खरबूजा की खेती में मिश्रा जी का खेत लेके तनी मनी ना 150 बीघा खेती करत। अच्छा तो बिरहा सुने वाला भैया लोग कैला पर तो खाए के मिलते नहीं खे। वो बेचारा अगर सलीना 50 लाख रुपये कमा लेते खरबूजा बेच के ते में तहरा जलन होके लगल। जलन के बाद का बा 50 लाख रुपया फायदा पावत रहले अनुराग हो खेती बारी करावे ढंग से चरित्र में ना दाग हो तथा बाजी में अपन पपिया मेरे भाई का परनवा अजीत पपिया ए भैया। आज पूरे सीतापुर जिला के अंतर्गत ये तो कवि जी सीतापुर के डल रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग से पूरे देश में पूरे देश का पूरे विश्व में जहां तक भोजपुरी समाज को लोग हों जे कि हमारे भाषा के जानता सारे लोगों के दिल में दर्द है और दुख है। किसकी सजा तो फांसी होनी चाहिए। ऐसे भाई से बिना भाई का रहना अच्छा होगा लेकिन ऐसा भाई इस धरती पर कोई दोबारा पैदा न हो। और सरकार शासन प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है कि अगर ऐसा काम नहीं होता है इसके साथ तो दूसरा भी कोई हत्यारा बन सकता है अजीत सिंह जो भाइयों के साथ ऐसा काम कर सकता है। यही से भाव हो पूरा सीतापुर में छैली अरे गमय और उदसिया सब नर नारी धारण नवासिया। आज अनुराग सिंह और 6 लोगों की हत्या पर सबके आंख से आंसू बह रहा है और हम भी अपने स्टूडियो आरबी स्टूडियो और आर सीरीज चैनल के ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि जो लोग 6 लोग मरे हैं भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। और हम सत सत नमन करते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आखिरी भाव रही कैसे अरे तोरी दिहले अनुराग भाई का प्रीत पपिया मारे भाई का परनवा अजीत पपिया। भैया बिरहा हमार समाप्त हो गई। एक बात शंका में और रह गई है। मीडिया वाले भाई बता रहे हैं कितना बड़ा घटना अकेले वो नहीं किया होगा किसी न किसी को अपने साथ में सटाया होगा। तो भाई गैर पैसा पाई जेकर नामे व गुंडा मवाली तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अभी अब तक इस घटना की सारी जिम्मेवारी अजीत सिंह अपने सर पे लिया है कि मैं ही किया हूं। आखिरी भाव जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी गंगा सागर सुबासर रामनाथ हरि शंकर यादव की तैयारी गुलशन की डाली डाली रोपड़ी राम केवल पवन